नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं राजस्थान के दिन भर की बड़ी खबरों में। चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में नई सरकार बनते ही सरकार ने लिए बड़े बदलाव। 1 जनवरी से होंगे लागू गहलोत की योजनाओं पर सरकार का बड़ा आदेश। कौन सी योजनाएं होगी लागू, कौन सी योजनाएं होगी बंद, आज देंगे पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले राजस्थान के कौन से जिले से आप देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की छोटी और बड़ी खबरें। पहली और सबसे बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ई श्रम कार्ड के सभी किसानों को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपए। सीएम भजन लाल ने इस नए साल के शुरुआती में किया है बड़ा ऐलान। अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक है तो ई मित्र पर जाकर के जल्दी से करवा ले ई KYC। आपके खाते में नए साल के शुरुआती में आएंगे 1500 रुपए। आज वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के इस योजना का आगाज कर दिया है। जल्दी पैसे भेजने का प्लान तैयार होगा। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान किसानों को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। राजस्थान के 18 लाख किसानों को जल्द मिलेगा आवास। केंद्र सरकार ने आज वो कैबिनेट बैठक में 18 लाख किसानों को प्रधानमंत्री आवास देने का कर दिया है ऐलान। राजस्थान में जो भी है आवास से वंचित, वो सफल भारत यात्रा के अंदर जाकर के कल जल्दी से करवा ले आवेदन। आपको भी वो नए साल के शुरुआती में मिल सकते हैं आवास। आज है वो राजस्थान सरकार का ये बड़ा फैसला, केंद्र सरकार का भी ऐलान। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी। अब राजस्थान के किसानों को सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा LPG गैस सिलेंडर। राजस्थान में 70 लाख नए कनेक्शन बनाए जाने की कर दी है घोषणा। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंदर बड़ा पिटारा खोल दिया है और अब राजस्थान के 70 लाख से अधिक किसानों को नए वो गैस उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब राजस्थान में मात्र 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, बड़ी घोषणा। पहली और सबसे बड़ी खबर, देश में फिर लौटी कोरोना की एक और लहर। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए बड़े आदेश, स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं हो सकती है रद्द, देश के अंदर लग सकता है लॉकडाउन। बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ने सबको डरा दिया है। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 335 नए केस आ चुके हैं। इस वेरियंट का नाम है JN1 और राजस्थान के सबसे ज्यादा इस बार वो केरल के अंदर फैलता नजर आ रहा है। इस बार कर्नाटक के अंदर 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले को मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार ने राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद आज लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब मिलेंगे साल के 12,000 रुपए। आज सरकार ने इस योजना में बड़ा ऐलान कर दिया है। इसमें वो 20 लाख किसानों को कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ा फैसला लिया गया है। अब हर गरीब किसान को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। पहले 4 महीनों में 2,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस योजना में 4 महीनों में 4,000 रुपए मिलेंगे, यानी 12 महीनों के अंदर 12,000 रुपए मिलेंगे। आज सरकार का बड़ा ऐलान। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रदेश के किसानों को नहीं मिलेगी फ्री बिजली। किसानों को लगा बड़ा झटका, बड़ी खबर, सरकार करेगी जल्दी ऐलान, अब पूरा भरना होगा बिजली बिल। वही दोस्तों, राजस्थान सरकार अब प्रत्येक यूनिट पर 2 रुपए वसूलने की तैयारी में नजर आ रही है। राजस्थान सरकार ने बिजली महंगी करने का प्लान तैयार कर लिया और राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही बिजली हो गई है महंगी, किसानों को लगेगा बड़ा झटका। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान सरकार ने किसानों को दिया एक और बड़ा झटका। अब राजस्थान में नहीं मिलेगा फ्री राशन, फ्री राशन पर सरकार ने लगाई है रोक। कांग्रेस सरकार में राजस्थान सरकार पूरी तरह से फ्री राशन दे रही थी, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के अंदर फ्री राशन पर रोक लग चुकी है और किसानों को भी बड़ा झटका लग चुका है। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है, जल्दी राजस्थान के अंदर हो सकता है फ्री राशन बंद, आज बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान युवाओं को लेकर खुल गई है किस्मत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, प्रदेश के अंदर 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। अगले 5 वर्ष तक है वो राजस्थान सरकार युवाओं को लेकर खोलेगी नौकरियों का पिटारा। वही दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी 5 वर्षों तक लगातार दी जाएगी। आज सरकार ने युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है राजस्थान के अंदर।
अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान प्रदेश के छात्राओं को लेकर। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 12वीं में पढ़ रही लड़कियों को लेकर अब सरकार देगी फ्री में स्कूटी। आज राजस्थान सरकार ने इस घोषणा का ऐलान कर दिया है और इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अब राजस्थान प्रदेश के अंदर जो 12वीं की छात्रा 50% से अधिक अंक प्राप्त करती है उन्हें सरकार फ्री में देगी स्कूटी। आज सरकार का ये बड़ा ऐलान राजस्थान के अंदर बड़ी खबर। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के अंदर। सरकार ने एक और योजना का आगाज कर दिया है बेटियों को लेकर। अगर आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके 2,00,000 रुपए की राशि देगी। जब बच्ची है वो पढ़ने को लेकर 12वीं पास करती है तो तब 1,00,000 रुपए की राशि मिलेगी और जब बच्ची है वो 21 वर्ष की हो जाती है तो 2,00,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत मिल जाएगी। यानी है वो 21 वर्ष तक है वो बेटियों को 2,00,000 रुपए की राशि सरकार देगी। आज सरकार ने इस योजना में किया बड़ा फैसला। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार की भूमिका से राजस्थान किसानों को इस योजना के माध्यम से अब वो हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। इस योजना का नाम है जनधन कार्ड। जिन किसानों ने जनधन कार्ड बनवा रखा है उनको लेकर ये खुशखबरी सामने आ रही है। नए साल के शुरुआती में इस योजना के माध्यम से आपको मिलेंगे 500 रुपए। वही दोस्तों राजस्थान की सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए हर महिलाओं को 500 रुपए देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान सरकार का स्मार्टफोन को लेकर। आज है वो बड़ा ऐलान। अब राजस्थान के अंदर महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। आज राजस्थान सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने हर गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन देने का वादा किया था। कई महिलाओं को स्मार्टफोन मिल भी गए थे लेकिन अब जो बाकी रहे हैं उन्हें राजस्थान सरकार नहीं देगी स्मार्टफोन। आज राजस्थान सरकार की स्कीम पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। राजस्थान के अंदर बड़ा फैसला। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के अंदर वृद्धा पेंशन पर सरकार का एक और बड़ा फैसला। अब वो सभी गरीब महिलाओं को राजस्थान सरकार हर महीने 1500 रुपए पेंशन देगी। आज राजस्थान सरकार का इस योजना में बड़ा ऐलान किया गया है। अब राजस्थान में 2023 और 24 के बजट में सरकार का ये बड़ा ऐलान। अब प्रत्येक गरीब महिलाओं को सीधे तौर पर 1500 रुपए पेंशन देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। आज राजस्थान से बड़ी खबर, अब 1500 मिलेगी पेंशन। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के अंदर। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सालाना में मिलेंगे 12,000 रुपए की राशि। राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने भी राजस्थान किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया। यानी कि चुनाव से पहले राजस्थान में पीएम मोदी ने ये घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो सभी किसानों को सालाना 12,000 रुपए की राशि मिलेगी। इस योजना के अंदर सरकार ने अपने काम धाम शुरू कर दिए और जल्द इस योजना का आगाज हो जाएगा। राजस्थान के अंदर LPG गैस सिलेंडर सरकार ने मात्र 450 रुपए में देने का ऐलान कर दिया और जल्दी होगा इसके अंदर बड़ा ऐलान। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर युवा बेरोजगार को लेकर सरकार के द्वारा की गई है बड़ी घोषणा। अब वो 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया केंद्र सरकार ने। वहीं श्रम कार्ड योजना के माध्यम से सरकार भेजेगी 300 रुपए। वहीं इसी के साथ है वो 3,000 रुपए की सरकार ने आज बड़ी है वो घोषणा कर दी है लागू। राजस्थान के अंदर अब 200 रुपए LPG गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। आज राजस्थान सरकार का इस योजना के अंदर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के अंदर फैल रहे कोरोना पर पूरे देश के अंदर सरकार का बड़ा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश देते हुए कहा है कि अब वो मास्क हो गया है अनिवार्य। अब पूरे देश के अंदर मास्क बिना लग सकता है जुर्माना। राजस्थान की महिलाओं को 20,000 रुपए राशि देने का सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब राजस्थान की हर महिलाओं को सालाना में मिलेंगे 20,000 रुपए। आज राजस्थान सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। राजस्थान के अंदर सरकार ने एक और योजना चला दी है। इस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना के माध्यम से बेटी को मिलेंगे 2,00,000 रुपए की राशि। साथ ही साथ अगर आपकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है तो उन्हें सरकार अब फ्री में स्कूटी देने की तैयारी में नजर आ रही है। ये राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला और राजस्थान सरकार ने ये अहम बड़ी जानकारी दे दी है। जिन किसानों को राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले है तो आज बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन शुरू हो गए है। सफल भारत यात्रा के तहत जल्दी से जाकर के ई मित्र पर
कराए अपना आवेदन, आपको भी मिलेंगे जल्दी आवास। नए साल के अंदर राजस्थान सरकार करने जा रही है बड़ा ऐलान। अब राजस्थान के हर किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी नजर आ रही है। वह दोस्तों रेलवे ट्रेनों को लेकर कई जगहों से जाम होने की वजह से रेल ट्रेन पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब इन किसानों को मिलेंगे 4 महीने में 4,000 रुपए की राशि। आज सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। वही वृद्धा पेंशन पर अब 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। आज सरकार के द्वारा किया गया है बड़ा ऐलान। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब